रजा भाई स्टार्ट करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम लेफ्ट साइड से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे जी। जी जाब जी, अस्सलाम वालेकुम अज़र भाई। काफ़ी वन साइडेड सी गेम हो गई है ये, तो इस तरह की जब गेम होती है हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम दैट? इस तरह का थोड़ा सा लगता है जैसे टीम का कॉन्फिडेंस भी शैटर हो जाता है और सारा कुछ, लेकिन हाउ डू यू कम बैक फ्रॉम दैट? क्योंकि ये तो गेम हो गई, इट्स ओवर नाउ। आई थिंक इट्स डन एंड डस्टेड। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, कि हमें मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते हैं उसमें हमें पता है कि इस तरह के मैचेस हम खेलेंगे। और डेफिनेटली यू नो लाइक डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए, लेकिन हम जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं हम 220 भी करेंगे और हम 100 के अंदर भी आउट होंगे। तो वी बैक आर सेल्फ, वी बैक आर टीम। और जो लड़के हैं उस वक्त, अगर TCB आए थे जिस वक्त, तो उस वक्त भी यही था कि फहीम और TC खड़े थे, तो दे थॉट के जी वो जाके स्कोर कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई दे प्लेड द शॉट। जी सुहेल भाई, अज़र कहाँ आप समझते हैं कि लैक ही आप लोगों ने, मतलब कि जो आप अपने ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं उसकी कोई झलक नज़र भी नहीं आई? मुकम्मल तौर पर LQ ने आपको आउट क्लास किया। और डेफिनेटली अगर आप उस लिहाज से देखें तो 200 रन उन्होंने किए और हम अंडर 100 आउट हो गए, तो डेफिनेटली दे आउट क्लास अस। एंड उन्होंने बॉलिंग अच्छी की उनकी। आई थॉट के जिस तरह उनकी स्टार्ट हुआ था उसके बाद 13 ओवरों में 130 रन लगे हुए थे। आई थॉट के आर बॉलर्स डन अ वेरी गुड जॉब के उनको अंडर 200 जो है ना वो हमने रिस्ट्रिक्ट किया। तो डेफिनेटली जब आपकी ऐसी सिचुएशन होती है, अगर आप देखें 41 for 1 एंड 99 ऑल आउट जो ना, तो डेफिनेटली इस तरह के गेम में इस तरह की चीज़ तो होती है। आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स एंड वी हैव टू प्ले द सेम सॉर्ट ऑफ ब्रांड व्हाट वी टॉक अबाउट यू नो अर्ली ऑन दिस सीजन। जी हमजा, अज़र भाई लाहौर के पास बॉलिंग अटैक तो वन ऑफ द बेस्ट है, तो एज ए कैप्टन आपने शाहीन को कैसे देखा जिस तरह उन्होंने यूज किया बॉलिंग को? देखिए जब आपके पास ऐसा बॉलिंग लाइनअप होगा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड मैं कहूँगा, मतलब शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं, जिस तरह जमान बॉलिंग कर रहे हैं, एंड देन वीसा, यू नो लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग के वीसा गेट 3 विकेट्स, एंड यू नो लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और राशिद खान जब आप उनके पास मौजूद हों, तो यू कांट एक्सपेक्ट के वीसा आके 3। वो यही होता है कि जब ऐसी सिचुएशन में जब आपके बॉलर ज़्यादा अच्छे बॉलर होते हैं तो आप दूसरे बॉलर पर अटैक करते हैं, और वही वीसा की क्वालिटी ये है कि उनका ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, जिसकी वजह से कपल ऑफ शॉट अगर आपने देखी होंगी तो बैट के ऊपर लगी और वो विकेट लेने में हासिल हुए। जी बिलाल, अज़र भाई काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हमने देखा कि कोई प्रॉपर ऑलराउंडर मंजर आम पर नहीं आया, जैसे फास्ट ऑलराउंडर आप थे, अब्दुल रजाक थे, तो अब जैसे फहीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है, तो उन पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम करते हैं उनके साथ ताकि इस तरह की जब भी सिचुएशन आए तो वो मैच विनिंग इनिंग खेले? लेकिन वो तो नट आउट ही वापस गए, अगर वो थोड़ी देर रहते तो उनको स्ट्राइक मिलता। तो डेफिनेटली फहीम अशरफ जो है ना वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। आपने मेरी बात की, अब्दुल रजाक की बात की, तो डेफिनेटली जब आप खेलते हैं, रेगुलर खेलते रहेंगे तो आपको मौके मिलते रहेंगे। हमने रिसेंट पास में देखा कि फहीम अशरफ जो है वो टीम का हिस्सा नहीं थे, तो डेफिनेटली वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाता है। जब आपको पता है कि आपके पास ये एक ऑलराउंडर है, उसको ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, और होपफुली वो फ्यूचर में न सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अपनी सर्विसेज देंगे। अज़र भाई क्या विकेट स्लो बाउंस था, लो बाउंस था? नहीं, आई थिंक विकेट वाज फाइन, मतलब जो है ना अगर 200 रन पहली इनिंग्स में बने हैं और दूसरी इनिंग्स में जो है ना 41 for after 6 over यू नो 52 for 2 थे, तो आई थिंक विकेट वाज फाइन। बट उसमें जिस तरह की हमने शॉट खेले हैं, आई थिंक वो वहाँ पे हमें जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। विकेट वॉज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, विकेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हमने जो स्लो बॉल जो थे उनके बॉलरों ने स्लो बॉल किए, वो हमने अच्छे पिक नहीं किए। गुरबाज भी उस तरह आउट हुए और राशि भी स्लो वन पे आउट हुए। जब आपके बॉलर के पास 145 का बॉल करता है और उसमें डेफिनेटली जब स्लो होता है तो बैट्समैन अपनी टाइमिंग मिस करते हैं, तो आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। सो विकेट वॉज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। जी सर, शादाब थोड़े से नाराज लग रहे थे जाते हुए भी, तो अभी थोड़ा डाउट है कि शायद वो आउट थे या नहीं, या अभी क्लियर हुआ है कि नहीं लगा? देखें शादाब जब नॉर्मली इतना बड़ा स्पाइक आता है ना, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका बैट लगा है। जो वो खड़े थे और अगर आप उनका रिएक्शन देखें, तो नॉर्मली जब आप निक करते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं, और शादाब बिल्कुल वैसे ही खड़े हुए थे, तो आप
आई कांट से कि लगा था या नहीं लगा था, टेक्निकल वहाँ पे जो साउंड आई है तो उसके लिहाज से तो वो आउट थे, मतलब जो अंपायर ने डिसीजन दिया उससे आई थिंक मुझे तो कोई वो नहीं है, लेकिन एज अ प्लेयर आपको होता है कि क्योंकि वो फील कर सकता है कि यार बैट नहीं था, हो सकता है कि वो उसी टाइम उनके बैट के हैंडल की आवाज़ हो जो जिससे वो आवाज़ आई है। इसको तो था नहीं वैसे, वो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या है टेक्नोलॉजी, अगर उसने आउट दे दिया तो वो आउट है। उस्मान अज़र भाई, आसिफ अली और आज़म खान के ऊपर काफ़ी उम्मीदें होती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, पिछले मैच पे चले इस दफ़ा नहीं चले, कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस लोगों की ज़्यादा नहीं आती है, एक मैच क्लिक कर जाते फिर दूसरे में रह जाते हैं, तो उनकी टेक्निक के ऊपर कुछ ज़्यादा वर्क हो रहा है या नहीं? देखिए आपने इन दो प्लेयरों की बात की, इम्पैक्ट प्लेयर जो होते हैं जैसे आज़म है या आसिफ है, दुनिया में आप इम्पैक्ट प्लेयर उठा के देख लें वो आपको 10 में से 2 से या 3 मैच जितवा के देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इम्पैक्ट प्लेयर आपको 9 मैच या 8 मैच जितवा के दें, तो अगर दुनिया में जितने भी देख लें, डेविड मिलर को देख लें, पोलार्ड को देख लें, दूसरे प्लेयरों को आप देख लें, मैक्सवेल को देख लें, तो ये सारे प्लेयर ऐसे ही हैं जिसमें आपको क्रूशियल टाइम पर आपको मैच जिता के देते हैं, और हम भी आज़म से और आसिफ से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें क्रंच टाइम पे, जैसे पिछला मैच आपने देखा कि उस सिचुएशन में हम इसी तरह की सिचुएशन थी क्योंकि इंटेंट पॉजिटिव था, तो एंड इन द एंड यू नो हम सोच रहे थे कि 170 करेंगे, जब मैं अंदर गया था वाटर पे तो उसके बाद वो एंड अप 220 हो गया, आज ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि मैं अंदर जाता, लेकिन हमने मैसेज भिजवाया हुआ था कि हमारे रन रेट के लिए थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर हो जाता कि अगर हम 130 रन करते, बट विच इज़ फाइन, यू नो वी हैव टू प्ले गुड क्रिकेट इन द फ्यूचर गेम्स, सो इट्स वन ऑफ दोज डेज, इसको जितनी जल्दी हम भूलें ड्रेसिंग रूम में और मूव फॉरवर्ड कि अब यहाँ से हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमारा होम मैचेस होंगे, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जी बहराम जी, सलाम अज़र भाई, दिस इज बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। तो हमने कंसिस्टेंटली देखा है पिछले गेम्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक ना एक लेफ्ट आर्म सीमर ज़रूर खिलाया है, पहले रोमान रईस खेल रहे थे, फिर फजल हक फारूकी खेल रहे थे, इस मैच में सारे राइट आर्म पेसर्स के साथ गई इस्लामाबाद, तो इसके पीछे जो रैशनैल था और सोच थी वो समझाते चलें, और जो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं इस्लामाबाद ने, क्या आप करीब हैं अपने परफेक्ट बॉलिंग अटैक के अब ज़्यादा, या तो फिर अभी भी कुछ और देखना है? देखें डेफिनेटली जिस तरह हमने फजल हक फारूकी को खिलाया था पिछले मैच में, हमने टॉम करन को रेस्ट दिया था क्योंकि बैक टू बैक मैचेस थे, तो हमें लेफ्ट आर्म सीमर को लेके आए, रुमान को हमने रेस्ट दिया था, रुमान भी इंजरी के बाद काफ़ी अरसे के बाद वापस आए हैं, तो हमें पता है कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, तो आज की भी सूरत हाल यही थी कि रुमान को रेस्ट हमने दिया था, और हम चाह रहे थे कि हम हमारा इमर्जिंग फास्ट बॉलर जो है उसको भी मौका दें, क्योंकि उसमें कम्बिनेशन आपने देखना है कि आगे मैचेस में आप किस तरह जाते हैं, तो आई थिंक उसमें ये वजह थी, और डेफिनेटली जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो हमने बात की थी, लास्ट ईयर हमारे पास नहीं था, इस साल हमारे पास जो है ना 2 हैं, तो हम उनको डेफिनेटली यूज़ करेंगे, देन आपका कम्बिनेशन देखना है कि किस तरह, अब अगले मैच में एलेक्स हेल भी आ जाएंगे, तो आपको अपना कम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि किस तरह आप इसको काउंटर करते हैं, तो डेफिनेटली यू नो मूविंग फॉरवर्ड जो है लेफ्ट आर्म सीमर जो डेफिनेटली, रुमान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम उनको रिस्क लें इस टाइम पे, और जो आगे के मैचेस में उनको वो थोड़ा उनको स्ट्रगल हो। लास्ट क्वेश्चन अरसलान। अज़र भाई, अगर हम देखेंगे तो इस्लामाबाद की ना एक ही पैटर्न की बैटिंग लाइन नज़र आती है, फायर पावर है सारा, तो सम टाइम होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है इनिंग बिल्ड करने की, जैसे आज है, जैसे आपने खुद भी कहा कि रन रेट जो है वो हर्ट करता है, तो आपने सुहेब मकसूद जो है उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं PSL में भी, तो वो भी आपके डग आउट में बैठे हुए हैं, तो एनी चांस के सुहेब मकसूद को अगर ट्राई कर लिया जाए ताकि अगर स्ट्राइक रोटेशन या इनिंग बिल्डिंग की बात आए तो वो कर सकें? नहीं नहीं, डेफिनेटली सुहेब मकसूद को देखें, हमने आई विश के जितने भी हमने प्लेयर रखे हैं मैं सबको खिला सकता, मैंने अपने प्लेयर्स से भी यही बात की थी, और इस साल अगर आप देखें कि हमारा कम्बिनेशन जिस तरह का है उसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना टीम का कम्बिनेशन भी रहे और सब लड़कों को जो है ना उनका वर्कलोड भी देखा जाए और सारी चीज़ें, डेफिनेटली सुहेब मकसूद को हमने इसीलिए रखा था कि अगर उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी तरह, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस टाइम मुल्तान सुल्तान में था तो आप वो जीते थे, तो उनका पावर प्ले में बहुत अच्छा रोल था, तो आई थिंक कि ऐसा हो सकता है कि हम उनको यूज़ करें, और ये हमारे दिमाग में सारी चीज़ें मौजूद हैं, और हम अपोजिशन को देख के और उस हिसाब से अपनी टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं है कि जी इस प्लेयर ने डेफिनेटली खेलना है और इसने नहीं खेलना, अब हम लाहौर कलंदर की तरह तो है नहीं कि वो उनके 5 बॉलर ही पिछले साल भी माशाल्लाह सारे खेले, इस साल भी खेलते जा रहे हैं तो नज़र नहीं लगा रहा, और हारिस रोग यहाँ पे आ गया तो नज़र नहीं लगा रहा, मतलब ये एक है कि उनका कम्बिनेशन बना हुआ है
और अल्लाह का शुक्र है कि वो पिछले साल भी सारे फिट थे, हमने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया पिछले साल, तो इस साल हमारी कोशिश ये थी कि प्लेयर्स की जो है ना लुक आफ्टर भी किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं तो उनका वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ता है।